지금 승리 갑시다. यहाँ पे धरने चले हुए हैं। जब भी हम किसी रास्ते से निकलते हैं, अगर कहीं किसान धरने पर बैठे हुए हैं तो हम उनके पास को होगा जरूर जाते हैं। तो यहाँ पे कल एक बड़ी पंचायत यहाँ पर नोएडा में हुई और हम हाथरस में थे कल, तो आज जब यहाँ से मुजफ्फरनगर जा रहे हैं तो इन लोगों से बैठ के बातचीत करी और इन्हें बताया कि कल भी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है और हमारा ये है कि प्रशासनिक अधिकारी बैठ के इनसे बातचीत करें और रेट बढ़ने चाहिए। आज महंगाई बढ़ रही है, इन किसानों को जमीन का मुआवजा अगर अभी मिलेगा वो इनको मिलेगा, उसी से इनको फायदा होगा। इनकी जमीन चली गई तो फिर इनके पास में कुछ नहीं है, रोजगार इनके पास में नहीं है, नौकरियां इनकी नहीं लगती, तो इनका रेट बढ़ना चाहिए। जैसे एयरपोर्ट में चार गांव का रेट बढ़ाया, ऐसे ही पूरे एयरपोर्ट के रेट बढ़े और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, इन सब के रेट बढ़ने चाहिए। समय समय पे महंगाई भत्ता बढ़ता है तो इन किसानों की जमीन का भी महंगाई भत्ते के हिसाब से उसी सिस्टम से इनका भी रेट बढ़ना चाहिए। और हमने यहाँ पे भी किसानों से कहा कि आप अधिकारियों से बातचीत करें और हम अधिकारियों से भी कहेंगे कि आप बातचीत करके इसका समाधान निकालें। तो जैसे बातचीत हुई है, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे बातचीत करनी चाहिए प्रशासन को इनसे। अच्छा। और हमारी पूरी निगाह जहाँ जहाँ पे भी आंदोलन चल रहे, वो चाहे ग्रेटर नोएडा में हो, वो चाहे बागपत में हो, वो सहारनपुर में है या इलाहाबाद में चल रहे, जहाँ पे भी आंदोलन पूरे देश भर में चल रहे हैं, हरियाणा में कई जगह आंदोलन चल रहे हैं, तो हम सब जगह निगाह रखते हैं। बगैर प्रोग्राम के मीटिंग को भी हम रात बिरात दिन किसी भी टाइम वहाँ पे जा सकते हैं और उन लोगों से बैठ के बातचीत कर सकते हैं। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आज धरने का दूसरा दिन है और सभी क्षेत्रवासियों से, गौतम बुद्ध नगर वालों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सब लोग धरने पर नजर बनाकर रखें, क्योंकि प्रशासन धरनों को खत्म करना चाहता, समस्याओं को खत्म नहीं कराना चाहता। उनकी ये मंशा है कि हम धरनों को खत्म करें, समस्या को खत्म ना करें। हम समस्या को खत्म कराने के लिए आए हैं, समस्याओं के समाधान तक रहेंगे, संघर्ष से समाधान तक की लड़ाई चलेगी। आप सब लोग धरने पर नजर बनाए और धरने पर जो भी है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन, जय टिकैत, जय ग्रेटर नोएडा।